Hello everyone, I am Dr. Puneet Malik. I am consultant neurosurgeon in Yashoda Hospital, Ghaziabad. आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी सर्जरी के बारे में. एपिलेप्सी सर्जरी यानी कि दौरा रोकने के लिए सर्जरी, ये हम कब करते हैं? जब मरीज को दो या दो से ज्यादा दौरे की दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, उसके बावजूद भी उसके दौरे काबू में ना आ पा रहे हैं, या फिर उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स वो मरीज टॉलरेट ना कर पा रहा. सर्जरी के लिए जरूरी है कि मरीज की कंडीशन अच्छी हो, यानी कि वो उसकी हेल्थ लेवल सर्जिकल पेशेंट बनाने के लिए उसको परमिट कर पाए. मरीज ने कई अलग अलग प्रकार की दौरा रोकने की दवाइयां खाई हो, जिसके बावजूद भी वो परेशान हो रहा हो या उसका दौरा ना रोक पा रहा. दौरा जो हम सर्जरी करते हैं दौरा रोकने के लिए, उससे पहले जरूरी है कि हम ये जाने कि दौरा कौन से पार्ट में ब्रेन में उत्पन्न हो रहा है, किस पार्ट में वो स्प्रेड हो रहा है, और क्या वो किसी ब्रेन के इम्पोर्टेंट फंक्शन को प्रभावित तो नहीं कर रहा है. अगर जांच की बात की जाए तो सर्जरी से पहले एक बेसलाइन ईईजी किया जाता है, एक वीडियो ईईजी किया जाता है, जहां दौरे के समय पर नॉर्मल ईईजी के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है. इसके अलावा एमआरआई किया जाता है, जो कि हमें ये बताता है कि कोई डैमेज सेल तो नहीं है, ऐसा एबनॉर्मल फोकाई है या ट्यूमर है जो दौरा उत्पन्न कर रहा है. कुछ और जांचें जैसे कि पेट स्कैन, स्पेक्ट या बॉर्डर टेस्ट, इनको भी सहायता ली जाती है दौरे की सर्जरी करने के डिसीजन से पहले. सर्जरी अलग अलग प्रकार की होती है. एक होता है रिसेक्शन सर्जरी, जिसमें वो एबनॉर्मल टिश्यू जो दौरा उत्पन्न कर रहा होता है उस टिश्यू को रिसेक्ट कर दिया जाता है, या वो ट्यूमर है तो उस ट्यूमर को निकाल दिया जाता है. एक पार्ट होता है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जहां ब्रेन में डीप पार्ट में लीड्स लगा के ब्रेन को स्टिमुलेट किया जाता है ताकि दौरा रुक पाए. इसके अलावा एक प्रोसीजर का नाम होता है कॉर्पस कैलोसॉटमी. इसमें कॉर्पस कैलोसम करके एक पार्ट होता है ब्रेन में, जिसे डिवाइड किया जाता है. कॉर्पस कैलोसम बेसिकली ब्रेन के राइट और लेफ्ट पार्ट को आपस में लिंक करता है. एक प्रोसीजर का नाम होता है हेमिस्फेरेक्टमी, जिसमें ब्रेन का एक साइड का सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसका ग्रे मैटर को निकाल दिया जाता है. सर्जरी के बाद हॉस्पिटल से इस प्रकार की सर्जरी में थोड़ा सा लंबा होता है. कुछ मरीज डलनेस, ड्राउजीनेस की कंप्लेन करते हैं, किसी को सिर दर्द रहता है, और नौजिया की कंप्लेन सुनना बहुत ही कॉमनली देखा जाता है. सर्जरी के बाद भी दौरा रोकने की दवाई की आवश्यकता हमारे मरीजों को पड़ती है. ऐसा देखा गया है कि सर्जरी के बाद 70% केसेस में 2 साल के अंदर मरीज दौरा मुक्त हो जाते हैं. और कुछ नहीं तो सर्जरी का जो मेन पर्पस है वो है पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना और उसकी फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, राइट. कुछ केसेस में जिसमें दौरे सर्जरी के बाद पूरे तरीके से नहीं रुक पाते हैं, उनमें एटलीस्ट दौरे की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. सर्जरी के बाद अगर हम जांच किसी जांच की बात करें तो उसमें हम एमआरआई दोबारा कराते हैं, जहां पे हमने ऑक्सीपिटल लोब या टेम्पोरल लोब की सर्जरी की होती है, वहां पे हम विजुअल फील्ड्स दोबारा से चेक करके देखते हैं. तो आज के लिए एपिलेप्सी सर्जरी के बारे में बस इतना ही. धन्यवाद.